हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशास फूड लैब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तिल की बर्फ़ी की रेसिपी। ये तिल की बर्फ़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, खाने में बहुत ही सॉफ्ट होती है, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाती है। तो ये तिल की बर्फ़ी कैसे बनाई जाती है, चलिए देखते हैं। यहाँ गैस पर मैंने सबसे पहले एक पैन रख लिया है, जिसमें हम 250 ग्राम कच्चे तिल डाल रहे हैं। इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, 4-5 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। जैसे ही हमारे तिल अच्छे से सिक जाएंगे, हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और हम चलेंगे इसकी चाशनी बनाने के लिए। चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक अलग कढ़ाई रख ली है, जिसमें मैं डाल रही हूँ 125 ग्राम गुड़, इसी के साथ 125 ग्राम ही चीनी और 2 टेबल स्पून पानी। बर्फ़ी बनाने के लिए ये परफेक्ट रेशो है। इसी तरह हलवाई लोग भी बर्फ़ी बनाते हैं, जितना शक्कर और गुड़ उसका डबल तिल लेंगे हम। इसे हम अच्छे से पिघलाएंगे। हमें इसकी चाशनी बनानी है। कैसी चाशनी बनानी है वह मैं आगे आपको बताऊंगी। इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देते हैं, जिससे कि चाशनी कढ़ाई में चिपकेगी नहीं। जैसे ही हमारी चाशनी तैयार होगी, हम इसे प्लेटफॉर्म पर या आप किसी भी अलग पत्थर पर इस चाशनी को फैलाएंगे। हमें उस चीज़ को पहले से ग्रीस करना है। मैं इस चाशनी को प्लेटफॉर्म पर उतारूंगी, तो मैंने वहाँ उस पर पहले से तेल लगाकर उसे ग्रीस कर लिया है, ताकि चाशनी वहाँ चिपके ना। ये देखिए, ये धीरे धीरे इसमें झाग आना स्टार्ट हो गया है। हमें इसे और पकाना है। हमें वैसी ही चाशनी तैयार करनी है जैसे हम तिल के लड्डू या मूंगफली की चिक्की या तिल की चिक्की बनाते हैं, वैसी चाशनी हम यहाँ भी तैयार करेंगे। ये देखिए, हमारी चाशनी एकदम तैयार है, इसका कलर भी परफेक्ट है। मैं इसे प्लेटफॉर्म पर निकाल देती हूँ। मैंने पहले से तेल लगा लिया था, अगर आप तेल नहीं लगाएंगे तो ये चिपक जाएगी। हमें इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, 2 सेकेंड के बाद हम इस चाशनी को पलटेंगे, फेंटेंगे। हलवाई लोग इसी तरह से बर्फ़ी बनाते हैं। ये देखिए, ये हल्की सी ठंडी हुई और हम इसे खींचना स्टार्ट करेंगे। हमें ये प्रोसेस गरम गरम में ही करना है। अगर ये ठंडी हो गई तो ये टाइट हो जाएगी, जम जाएगी, ये ऐसे खींचेगी नहीं। ऐसे जितना आप इसे खींच सकते हैं आप खींचिए। जितना हम इसे फेंटेंगे ये उतनी ही वाइट होगी और सॉफ्ट भी होगी। ये देखिए, मैंने इसे दोनों हाथों में लेकर इसे अच्छे से फेंट रही हूँ। ये देखिए, ये एकदम वाइट हो गई है। इसी तरह का टेक्सचर हमें इसका चाहिए। अब इसका हम रोल बना लेंगे और जो तिल हमने रखे थे उसे हम फिर से थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ये मैंने तिलों को फिर से थोड़ा सा गर्म कर लिया था, अब हम इसे इसमें कोट करेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, अगर आप तिल गर्म नहीं करेंगे तो ये तिल इसमें कोट नहीं होंगे। किसी भारी चीज़ से इसे दबा दबा कर हम इसे मिक्स करेंगे। इस प्रोसेस में थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, पर इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसे दबा दबा कर हम सारे तिल जब तक इसमें मिक्स नहीं हो जाते, हम इसे ऐसे ही दबाएंगे। मार्केट में जो बर्फ़ी मिलती है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। वो क्यों आता है, वही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैं आपको आगे दिखाऊंगी, बताऊंगी। ये देखिए, सारे तिल इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे कूटेंगे, जैसे हम गजक बनाते हैं कूट कूट कर, वैसे ही हम इसको कूटेंगे। कूटने के बाद हम इसे मिक्सी के जार में डालकर इसका एक दरदरा पाउडर बनाएंगे। हम फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, नहीं तो जो बर्फ़ी होती है वो मुँह में चिपक जाएगी, वो हमें वैसा टेस्ट नहीं देगी। ये देखिए, मैंने इसे पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसे मिक्सी के जार में डालकर इसका दरदरा पाउडर बना रही हूँ। मैंने कैसा पाउडर बनाया है वह भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये देखिए, कुछ इस तरह का पाउडर हमें बनाना है। अब हलवाई लोग बर्फ़ी में कौन सी चीज़ डालते हैं
जिससे उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है घी। जी हाँ फ्रेंड्स, हलवाई लोग बर्फ़ी में देसी घी का यूज़ करते हैं। इतने मिक्सचर में हमें 50 ग्राम घी डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे सेट कर लेंगे। आप चाहें तो किसी ट्रे में भी आप इसे सेट कर सकते हैं, पर मैंने क्या प्लास्टिक का कंटेनर लिया है जिसमें मैं नीचे से बादाम और थोड़ी पिस्ता कतरन स्प्रेड कर रही हूँ। इसी के ऊपर हम हमारा मिक्सर डालकर उसे सेट करेंगे। बर्फ़ी का टेस्ट भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन से फ्लेवर का घी यूज़ कर रहे हैं। आप जितना अच्छा घी यूज़ करेंगे जिसमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, आपकी बर्फ़ी का टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। अच्छे से दबा दबा कर हमें इसे सेट करना है जिससे ये एकदम जम जाए। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा कि बर्फ़ी में घी भी ऐड होता है। लोग यही सोचते हैं कि तिल और गुड़ से सिर्फ बर्फ़ी बनती है, पर ऐसा नहीं है। इसका मेन टेस्ट इसी चीज़ से आता है कि इसमें घी भी ऐड होता है। फ्रेंड्स, संक्रांति पे लड्डू तो हर कोई अपने घर पे बनाता है, क्यों ना इस बार कुछ नया ट्राई करें। आप भी अपने घर पे ये बर्फ़ी की रेसिपी ट्राई कीजिएगा और आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये अच्छे से सेट हो गया है। ये दिखने में भी कितनी सुंदर लग रही है, यकीन मानिए खाने में उससे और भी ज़्यादा टेस्टी है। ये हमने इसे पीसेस में कट कर लिया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसका टेक्सचर और इसका कलर भी कितना बढ़िया है। ये एकदम दानेदार बनी है और एकदम सॉफ्ट। आप इसे मुंह में डालेंगे और ये एकदम मेल्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।